सो इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ चार कैटेगरीज, होम अप्लायंसेस, होम डेकोर एंड बेस्ट सेलिंग बुक्स एंड लास्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स। हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ यू आर सीइंग दिस फेस फॉर द फर्स्ट टाइम, माय नेम इज ऐश्वर्या गोयल एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय चैनल अ बिग थैंक यू, बट इफ यू हैवंट प्लीज सब्सक्राइब, ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो होने वाली है Amazon हॉल पार्ट 2, क्योंकि मेरे Amazon हॉल पार्ट 1 को काफ़ी ज़्यादा लव मिला था, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला था एंड ऑल्सो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था Amazon हॉल पार्ट 2 के लिए। सो हेयर आई एम एंड द प्रोडक्ट्स आई विल बी शोइंग टुडे आर फुल ऑफ एक्साइटमेंट, आपको मज़ा आएगा ये वीडियो देख के, सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग एंड या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ चार कैटेगरीज, होम अप्लायंसेस, होम डेकोर एंड बेस्ट सेलिंग बुक्स एंड लास्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। सो आई बॉट दीज टू आई शेडो पैलेट्स, दीज आर फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड दीज आर हिलरी रोडा, इफ दिस इज वॉट वी प्रोनाउंस, एंड आई एम इन अ शेड 01 एंड 02। आई रियली लव द कलर्स, अगर आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सारे वाइब्रेंट कलर्स हैं और इसमें काफ़ी सारे न्यूड और वॉमी शेड्स हैं। आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई न्यू लुक, सो आई बॉट देम एंड दे वर फॉर रुपीज़ 180 to 200 के बीच में, आई गॉट इट ऑन अ डील, सो या 180 के अराउंड ही थे मेरे दोनों ये। आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और जो भी इनका प्राइस होगा उनका मैं स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर लगा दूंगी। आई हैव ट्राइड बोथ द पैलेट्स एंड दे आर प्रिटी गुड। इनका ना पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा है बट थोड़ा सा फॉल आउट होता है, वैसे इतने प्राइस में यू कैन एक्सपेक्ट दिस फॉल आउट, वैसे काफ़ी सारे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में भी होता है आई शेडो पैलेट्स में। सो आई थिंक इफ़ यू आर अ बिगनर दिस इज डेफिनेटली अ वर्थ बाय। आई बॉट देम क्योंकि मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है आजकल आई शेडोज से खेलने का एंड आई हैव क्रिएटेड फ्यू लुक्स एज वेल ऑन माई इंस्टाग्राम, सो इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम प्लीज़ फॉलो, एंड वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी रील्स डाल दी है, आपको मिलती रहेंगी और भी लुक्स। सो या इफ़ यू वॉन्ट दिस देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज होम अप्लायंसेज, सो आई हैव ओनली वन प्रोडक्ट एंड इट इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट, दिस इज पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर ऑलमोस्ट 1 month नाउ एंड आई सो लव दिस। मैंने ना इसका एक डेमो अपने एक व्लॉग में भी दिखाया था, आपको आई बटन पर मिल जाएगा वो व्लॉग, सो डेफिनेटली चेक इट आउट। एंड ये ना बहुत ही सही आइटम है, बहुत ही सही, मेरे को ये मिल गया था 599 के अराउंड बट अब इसका थोड़ा सा प्राइस बढ़ चुका है। दिस इज़ वॉट द प्रोडक्ट लुक्स लाइक एंड ये सिर्फ पॉपकॉर्न बनाने के काम ही आता है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो लाइक चिप्स, पापड़, क्योंकि मैंने पापड़ भी बनाए हैं, चिप्स भी बनाए हैं और पीनट्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, बट इट इज़ अ मल्टीपर्पज़ अप्लायंस एंड दिस इज़ अ मस्ट बाय। ऑल्सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू कैरी दिस, बहुत छोटू सा है तो अगर आप कभी पिकनिक में जा रहे हो तो यू कैन कैरी दिस एज वेल, बस पावर सप्लाई होना चाहिए। एंड अभी भी इसमें थोड़े से मक्की के दाने रखे हुए हैं जो मैं इस वीडियो के बाद बनाने वाली हूँ, बाकी आपको डेमो मिल जाएगा, एक डेमो क्लिप भी मैं ऐड कर दूंगी इस वीडियो के बाद। सो काफ़ी अच्छी परचेज है, वर्थ द प्राइस, बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ये ना आप सिर्फ 3 मिनट तक यूज़ कर सकते हो लाइक ऑन वन गो एंड देन यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स ताकि ये फूके ना, अदरवाइज इसमें फ्यूज़ हो जाएगा। एंड यहाँ पे मेंशन भी है कि डू नॉट यूज़ मोर देन 3 मिनट्स इन 1 साइकिल, कीप गैप ऑफ एटलीस्ट 10 मिनट्स इन बिटवीन एवरी 2 साइकिल्स। तो वैसे तो मेरा एक बार में ही काम हो जाता है अगर मैं पॉपकॉर्न बना रही हूँ, एंड पापड़ भी सिर्फ एक नहीं, आप काफ़ी सारे बना सकते हो और बहुत सही होते हैं, लाइक आई रियली लव वो तले हुए पापड़, तो इसमें भी उसी टाइप का टेस्ट आता है। ऑल्सो no oil needed, not even a single drop of oil is needed, so yeah if you're looking for such type of product then please go for it। मेरे दादा दादी को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लाइक वो यहाँ पे थे ऑलमोस्ट 1 month के लिए और उनके लिए मैं रोज़ बना रही थी एंड दिस हैज़ टू बी माई स्टार परचेज ऑफ दिस ऑयल। Now moving to the third category which is best selling books, so I have these many books, these are 6 books, I so love them and I really wanted them for a long time, isliye I asked my cousins to give me as a Rakhi gift. Let me show you one by one what all I have. So this is the one I am currently reading, this is Zen, the Art of Simple Living. Then I have is Ikigai, this is very famous,
दिस इज इकिगाई द जैपनीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू रीड दिस वन। ऑल्सो अगर आपको रीडिंग की हैबिट नहीं है एंड आप पढ़ना चाहते हो बट यू आर नॉट गेटिंग एनी टाइम, ट्राई कि एटलीस्ट एक चैप्टर रोज़ पढ़ लो। मेरा भी ऐसे ही होता है, अगर मेरा हेक्टिक डे भी है ना तो आई ट्राई कि एटलीस्ट एक चैप्टर में पढ़ लूँ। इसलिए मैं काफ़ी सारी बुक्स पढ़ चुकी हूँ इस लॉकडाउन के दौरान एंड आई एम ऑलमोस्ट डन विद दिस वन एज वेल। नेक्स्ट आई हैव आर दीज टू, द लिटिल बुक ऑफ लाइकी एंड द लिटिल बुक ऑफ हाइगी इज दिस इज वॉट वी प्रोनाउंस। ये दोनों ना वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर आकृति राणा ने अपने एक यूट्यूब वीडियो में सजेस्ट करी थी एंड अभी तक मैंने इन्हें पढ़ना शुरू नहीं किया है बट इनके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी आपको अगर किसी के भी रिव्यूज़ चाहिए होंगे ना तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी। वैसे मैं पोस्ट करती रहती हूँ जब भी मेरे को कुछ ऐसा लगता है कि इट इज़ वर्थ पोस्टिंग, लाइक जो भी लाइन आई ऑलवेज अंडरलाइन एंड पोस्ट इट ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। देन आई हैव इज द करेज टू बी डिसलाइक, दिस इज हाउ टू फ्री योर सेल्फ, चेंज योर लाइफ एंड अचीव रियल हैप्पीनेस। And the last one I have is Tiny Changes, Remarkable Results, Atomic Habits। ये ऑलरेडी मैं पढ़ चुकी हूँ और मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसी बुक लगती है ना कि इंटरेस्टिंग होगी कवर देख के ही तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, डेफिनेटली परचेज इट, इट इज़ वर्थ बाइंग। एंड आई वोंट से कि सारी की सारी एक साथ परचेज कर लो अनलेस यू आर अ रीडर, ट्राई एटलीस्ट रीडिंग वन ऑफ द बुक। एंड इफ़ यू हैपन टू लाइक दैट बुक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी बुक्स के लिंक भी मिल जाएंगे। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इन होम डेकोर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, अगेन सेकेंड स्टार परचेज। So this is Buddha Ji Aroma Diffuser and this is what the product looks like. Again, ये भी मुझे 1 month पहले receive हुआ था जब मेरे को popcorn making machine receive हुई थी and I have been using this since then. This is pretty cute, home decor का भी काम करता है and aroma diffuser का भी. So what you have to do is, इसमें ना थोड़ा सा पानी डालना है and few drop of essential oil. I have peppermint and I don't remember second one, but both of them are from Good Vibes and they smell great. By the way, coming back to the point, so आपको ना इस type के tea candles मिलेंगे। Moving to the next item, तो अगर आप मेरी पहले से videos देखते आए हो तो आपको पता लगेगा थोड़ा सा difference है आज मेरे background में। So I bought these wines, they are set of 6 and they were for ₹299 I guess, मेरे को याद नहीं है, आपको screen पे दिख जाएगा जो भी price था। So I bought 6 of them. मैंने इस तरीके से डेकोरेट करी हुई है। एक्चुअली मैंने ना पहले भी अमेजोन हॉल पार्ट 2 फिल्म किया था बट आई रियली डिडंट लाइक इट और उसके बाद मैंने अपना तुरंत रूम मेकओवर वीडियो शुरू कर दिया था। सो ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी रूम मेकओवर के टाइम पे यूज़ कर लिए लाइक दिस। इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर होम डेकोर परचेजेस, होम डेकोर प्रोडक्ट्स, सो ये भी आप ले सकते हो। अदर देन डैट मैं आपको और भी चीज़ें दिखा रही हूँ। सो मूविंग टू द नेक्स्ट आइटम, आई बॉट सेट ऑफ 5 कुशन कवर्स, एक इनमें से ये है। मैंने जो बाकी के 4 कुशन कवर्स थे वो ऑलरेडी एडजस्ट कर दिए हैं और आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे उनकी फोटोज़। एंड ऑल्सो वेट फॉर रूम मेकओवर वीडियो, प्रोबेबली इस वीडियो के बाद वही आएगी। एंड आई सो लव जिस तरीके से मेरा रूम मेकओवर हुआ है। सो इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि मैं जब भी रूम मेकओवर की वीडियो डालू ना आपको सबसे पहले पता लगे। अब बात करते हैं इन कुशन कवर्स की क्वालिटी की। सो आई रियली लाइक देम, काफ़ी अच्छे हैं। मेरे को फैब्रिक का नहीं पता कि कौन सा फैब्रिक है बट इट इज़ प्रिटी गुड। एंड जब कुशन कवर्स ले लिए तो कुशंस भी लेने जरूरी है। सो आई अगेन बॉट सेट ऑफ 5 कुशन कवर्स इसी साइज में जो इसके अंदर लगे हुए हैं। इफ़ यू कैन सी, मैंने अब तक प्लास्टिक भी नहीं उतारी उन कुशंस की बिकॉज मिस्टी न फाड़ दे इसलिए। नेक्स्ट आई बॉट इज प्रिटी पिंक कैनोपी, आपको ना स्क्रीन पे दिख जाएगा फोटो क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसे रूम मेकओवर के टाइम पे एडजस्ट कर दिया था। एंड नाउ आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब दी होल वाइब इसलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी, बाकी आपको रूम मेकओवर में पता लग जाएगा। इसमें ना काफ़ी सारे कलर्स थे, आई गेस वाइट, पिंक, ब्लू और पर्पल, ये 4 शेड्स थे। मेरे को एक्चुअली वाइट ही लेना था बट दिक्कत ये थी जो उसकी लाइनिंग थी ना वो रेड रिबन से थी तो वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लाइक वाइट कैनोपी पे रेड रिबन। वैसे वो मेरे रूम के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता बट आई रियली वॉन्टेड कुछ एक्स्ट्रा इसलिए मैंने पिंक मंगवा लिया। एंड ये पिंक कैनोपी भी ना मेरे रूम को काफ़ी अच्छी वाइब्स दे रही है, सो आई हैव नो रिग्रेट्स। एंड नाउ मूविंग टू द लास्ट प्रोडक्ट एंड इट इज़ दिस प्रिटी रग। इतना बड़ा है कि ये फ्रेम में भी नहीं आ रहा है बट इट इज़ ऑफ सो गुड क्वालिटी। ऑल्सो जिस टाइप से मैंने रूम मेकओवर का सोचा हुआ था ना उसके लिए परफेक्ट था। एंड अगर आपने नोटिस किया होगा जो मेरे कुशन कवर्स हैं ये भी मल्टी कलर हैं
और उसके साथ ना ये एकदम परफेक्टली ब्लेंड हो रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मोस्ट प्रोबेबली रूम मेकओवर वीडियो। एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप एंड कमेंट डाउन बिलो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको कौन सा प्रोडक्ट ऐसा लगा जो यू विल डेफिनेटली बाय, या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट जो मुझे ट्राई करना चाहिए एंड आई एम मिसिंग ऑन दैट। सो या प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना दोनों चीज़ें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।